दिया है x का पावर 4 माइनस 1 बाई x का पावर 5 का पावर 11। यहाँ पे अब देखिए, इसके पहले जनरल टर्म की बात करते हैं। जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x का पावर 4 माइनस 1 बाई x क्यूब का पावर 11 क्या हो जाएगा? टी आर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 का पावर r 11 सी आर एक्स का पावर 4 द पावर 11 माइनस आर 1 बाई एक्स क्यूब का पावर r। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं माइनस 1 का पावर r 11 सी आर एक्स का पावर 44 माइनस का 4 r 1 बाई एक्स का पावर 3 r। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 का पावर r 11 सी आर एक्स का पावर 44 माइनस का 7r, ये आपका जनरल टर्म हो जाएगा। चलिए, तो मिडिल टर्म क्या होगा वो पता कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म्स कौन, दो को मिडिल टर्म होंगे क्योंकि पावर में ऑड है। 11 प्लस 1 बाई टूथ एंड 11 प्लस 3 बाई टूथ टर्म, ये दोनों टर्म्स मिडिल टर्म्स होंगे। यानी कि आ जाएगा 12 बाई टूथ टर्म एंड 14 बाई टूथ टर्म, ये दोनों टर्म्स होंगे मिडिल टर्म। यानी कि यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 7, 6 एंड 7 टर्म्स जो होंगे मिडिल टर्म होगा। 6 एंड 7th टर्म्स जो होंगे वो मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 6 टर्म क्या होगा, तो t यहाँ पर देते हैं 6 की जगह पे 5 प्लस 1 कर देते हैं, तो माइनस 1 का पावर 5 11 सी 5 एक्स का पावर 44 माइनस 7 इंटू में 5। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं ये माइनस का 1, ये 11 सी 5 क्या होगा, 11 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल और 11 माइनस 5 का फैक्टोरियल, या x का पावर 44 और माइनस का 35 माइनस 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120 और इंटू में यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल, x का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके 9 आ जाएगा, यही ना होगा जी? ठीक है, 9 होगा ना जी। चलिए, तो अब देखिए 6 का फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल, 0 से 1 0 कट गया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 2 है, 3 3 जा 9। अब बाकी सब में 3 अलग लिखते, नहीं तो लगेगा 32 है। चलिए, तो अब बाकी सब में मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस का कितना जाएगा, 462 एक्स का पावर 9। अच्छा, 7 टर्म भी मिडिल टर्म होगा, तो टी 6 प्लस 1 कर देते, तो हो जाएगा माइनस 1 का पावर 6 11 सी 6 एक्स का पावर 44 माइनस 7 इंटू में 6। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये प्लस का 1, यहाँ 11 का फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल और यहाँ भी 11 माइनस 6 का फैक्टोरियल, यहाँ x का पावर 44 और माइनस का 42। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखो ना 5 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 11 का फैक्टोरियल ऊपर है, तो ये सेम वही आ जाएगा 462 और यहाँ x का पावर 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये मिडिल टर्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनल सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।